जब बहू थी, क्योंकि ज्यादातर हमारे में से यहाँ सास बन चुकी हैं, तो आप जब बहू थी, यदि आप अपनी सहेलियों को ये कहती कि मेरी सासू जी मेरे पास रहने आ रही है, तो आप उनके साथ बहुत ही संवेदना प्रकट करती और आपको उनसे बहुत प्यार मिलता। वो आपके बहुत सोचते हैं आपके बारे में कि सचमुच में ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया, सासू जी साथ आ रहे हैं और आप भी सोच में पड़ेंगे कि मैं क्या करूँगी, कैसे उनको खुश रखूँगी, और ऐसे सारी बातें दिमाग में काफ़ी चलती रहती हैं। तो ये तो हमारे ज़माने की बात हुई, अब ज़रा देखिए आजकल की बहुओं के क्या रंग हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ, हर वक्त अपने कमरे में पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अजी राहुल के पापा सुन रहे हो, पता नहीं कहाँ हैं क्या है, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। अजी राहुल के पापा। हेलो भगवान, क्या बात है, काय को चिल्ला रहे सवेरे सवेरे? आपको तो अरे इतना सरदर्द के किधर जा रहे हैं? अरे क्या सरदर्द के, रोज तो यही कपड़े पहनता हूँ। नहीं नहीं, जरूर कोई आज मामला है, आज जरूर कोई खास बात है। खास बात नहीं है, रोज मैं यही कपड़े पहनता हूँ, तू देखती नहीं मेरे तरफ कभी। अरे आपको नहीं देखूंगी तो और किसको देखूंगी? अरे पर तो देखूंगी ना। क्या बात है, क्यों रो रही आज के? नहीं आज मेरा तबीयत बहुत घबराई हुई है। देखिए 2 महीने हो गए हैं राहुल की शादी हुए हुए, लेकिन उनकी मटर दृष्टियाँ ही खत्म नहीं होती। कभी ये भी सोचा था कि भाई आकर के माँ बाप के पास 5 मिनट भी गुजारे हैं? अरे इतने साल से तू कर रही है, अभी तक तो कभी नहीं बोलती थी, आजकल रोना चाहिए चालू कर। बड़े बड़े उम्मीदों के महल बनाए हुए थे कि राहुल की शादी होगी, बहू आएगी, थोड़ा हमें मदद करेगी, मुझे थोड़ा मेरे साथ बैठेगी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आज राहुल आते हैं उसको दोनों को पकड़ते हैं और बाबा वो तुम्हारी मम्मी कितनी रो रही है, चिंता कर रही है। अरे पापा थोड़ा सुन के जाओ ना, क्या बोल रहे हो, देखो तो सही। क्या बात है मॉम, ऐसे नाराज क्यों हो रही हो? मेरे पास तो तुम्हारे आने का टाइम ही नहीं होता, 5 मिनट भी। पहले तो आ भी जाते थे, अभी जब से शादी हुई माँ बाप को लगता है बिल्कुल भूल गए हो। ओ मॉम, कभी भूल सकते हैं, माँ को भी कभी भूल सकता है कोई, ऐसे थोड़ा होता है, आप क्यों सोचते हैं ऐसे? क्या बताएं बेटा, क्या क्या अरमान थे और क्या क्या हो रहे हैं। चलो अपने डैडी से जरा बात करो। क्या हुआ? अरे देखो भाई, ये इतने दिन से पहले से खाना बना रही है और आजकल तो वो तो कंटाल आ गया उसको, कि वो बोलती है कि खाना बना बना के मैं एकदम थक गई हूँ, अभी मैं खाना नहीं बनाना चाहती। और देखो उसका खाना खा खा के तो मैं तंग आ चुका हूँ। सोचते हैं ऐसे, मैं तो बाहर खाना खाना ही नहीं चाहता, मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं तो हमेशा बाहर से आता हूँ खाना खाने के लिए, कि मामा के खाना खाना है। हमने मामा खाने खाने की बात नहीं है, देखो उसके बाद में बर्तन भी तो साफ करने पड़ते हैं ना। बर्तन मेरे को समझ नहीं आता, सोचा जूली आएगी थोड़ा खाने में मदद करेगी, नए नए बर्गर पिज्जा वगैरह। जूली आएगी, अभी तो उसके जो है मेहंदी भी नहीं उतरी, तो आप उसको बोलते हैं बर्तन साफ करो, अच्छा खड़ा लगता है। आप देखो तो सही, आप सोचो हो जरा, कमाल कर देते हैं आप। माँ ऐसे मत किया करो, ऐसे मत करो। अच्छा भाई, खाली बर्तन का बात नहीं है, कपड़ा भी तो धोना पड़ता है उसको। ओहो, डैड आपने तो खुद मंगवाई मशीन दहेज में, कि मशीन लेकर भाई हमें कपड़े धोने हैं। हम दोनों के ही कपड़े थे, अभी तो आजकल तुम्हारे भी कपड़े होते हैं, और वो कपड़े भी कितने तीन तीन चार चार टाइम चेंज करते हो तुम, तो कितने कपड़े उसको धोना पड़ते हैं। वो कपड़े धोने वाली थी ना, वो क्या हो नहीं, वाशर है ना, तो वाशर में क्या काम है, उसमें तो वाशर में कपड़े डाले, फिर उसमें निकाल के ड्रायर में डाल दिए, तो कोई काम ही नहीं है। माँ क्या हुआ? तुम नहीं समझोगी, अब मेरी भी हड्डियाँ बूढ़ी हो गई हैं, मैं भी उम्रदार हो गई हूँ, तो कैसे इतना कर सक, वॉशर में भी ड्रायर में निकाल के डालने पड़ते हैं, मुझे भी थोड़ी हेल्प की जरूरत है। मॉम अगर आप बैठ जाओगी ना, तो जो थोड़ी बहुत चलती है वो भी रह जाओगी, चलता ही अच्छा है। और इसका ख्याल रखो, आपके अपनी सेहत के लिए हम सोचते हैं कि आप काम करते रहोगे तो अच्छा रहेगा। कपड़ा भाई, कपड़ा धोने की बात नहीं है खाली,
उसके बाद स्त्री भी तो करनी पड़ती है, और बिना स्त्री के तो तू कपड़ा पहनता ही नहीं है भी। ओहो, ये तो स्त्री जो है, आप डॉक्टर पता नहीं क्यों ऐसे सोचते हैं, बाहर से भी करवा सकते हैं। अगर हम ऐसे जाएंगे तो आपकी इज्जत का सवाल है। हाँ। लोग क्या कहेंगे कि इनकी बहू बेटे कैसे कपड़े पहनते हैं? अरे तो आपके लिए पहनते हैं अच्छे कपड़े, हर टाइम तो कपड़े लेके ऐसा करते, मम्मी ये क्या है, कपड़ा कुछ किया ही नहीं है ठीक मम्मी, और हरदम सूट वूट में अच्छा कपड़ा पहन के जाना चाहते देखो ये काम करते हैं। ये काम मेरा काम, मैं खुद ही करता हूँ, ये तो कभी मरती नहीं है। तो सारी उम्र कुछ नहीं किया है, अब सोचते हो कि बुढ़ापे में इनसे मैं रसोई में मदद दूँ या कपड़े धोने में मदद दूँ? चलो हम ऐसे करते हैं कि वो जो बाहर है ना धोबी, उसको दे दिया करेंगे, वो प्रेस कर दिया करेगा। अच्छा कपड़े की बात नहीं है खाली, बाकी भी तो साफ सफाई करनी पड़ती है, वो तो इसी को करनी पड़ती है। और डैड पता नहीं क्यों आप छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ा रहे हैं, ऐसे क्यों करते हैं आप? अरे भाई अब उसकी उम्र हो गई है, जरा उसके तरफ ध्यान तो रखो तुम। और सफाई लगा रहे राहुल, वो सफाई कर रहे हैं ना, उसको लगा रहे। वो आती तो थी, अब कहाँ गई वो? क्या हुआ, आपने उसको जाने दिया? बहुत किट किट करती थी, मैंने उसको निकाल दिया। ये भी सोचा कि चलो बहू आ जाएगी थोड़ा मदद कर देगी, वो तो पोचे मार देने के लिए थोड़ा आएगी, आप किसी और को रख लो। क्या आप करते हैं ऐसी भी बात, कमाल है। अच्छा अब ये बताओ बहू, खाना नहीं बना सकती, बर्तन नहीं साफ कर सकती, हाथ खराब हो जाते हैं, सफाई नहीं कर सकती, तो इस फैमिली में तुम्हारा रोल क्या है? आपने जो कहा है वो सब ठीक ही कहा है, लेकिन ऐसा है कि आपकी जो रूटीन चल रही है, जो आपके सब जो काम हो रहे हैं, उसको अगर मैं बीच में दखल नहीं देना चाहती, कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तो ऐसा है जो रूटीन चल रही है, चलिए दीदी आप खाना इतना अच्छा बनाती हैं, अब वॉशर ड्रायर आ गया है, चलिए सफाई के लिए किसी को लगा देंगे, स्त्री के लिए कपड़े बाहर भेज देंगे, तो ऐसा है माँ डैड। बेटे तुम्हारा क्या रोल रहेगा इसमें? ओ माँ डैड, मैं तो यहाँ आपके बेटे राहुल को इंटरटेन करने आई हूँ। अरे क्या बार बार पिक्चर देखे जाते हो, कभी घर में तो रुका करो ना डैड। परसों तो आपको डीवीडी प्लेयर ला कर दिया, वो खोखे से आप एक पिक्चर ले आना जो अच्छी चाहिए आपको, और देखना हम आते हैं अभी। ओके बाय, कब आओगे वापस? जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। क्या करें जी, ये तो हमारी किस्मत ही खराब है, ऐसी बहू मिली, सोचते थे क्या क्या अरमान थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ।